पहली खबर, सिवान जंक्शन पर कोरोना जांच के दौरान बीते 13 दिनों के भीतर कुल 25 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। प्रतिदिन जांच के बाद मिलने वाले पॉजिटिव मरीजों ने जंक्शन पर कार्यरत कर्मियों में भय पैदा कर दिया है। बावजूद जंक्शन पर कोरोना जांच का दायरा नहीं बढ़ाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जंक्शन पर शनिवार को सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक ही कोरोना की जांच कर्मी करते हैं। इस दौरान कई ट्रेनों से उतरने वाले यात्री जांच में शामिल होते हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों से कई ट्रेनों का आने का समय इसके इतर भी है, जिससे उतरने वाले यात्री जांच के बिना ही अपने घर पहुंच रहे हैं, लिहाजा उनसे संक्रमण फैलने का डर काफी हद तक बढ़ जाता है। अगली खबर, गोपालगंज जिले के हथुआ थाने के मनीछापर गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए के गहने एवं कीमती सामान की चोरी कर ली। इस संबंध में गृह स्वामी मेराज उल हक अंसारी ने अज्ञात चोरों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हथुआ थाने में आवेदन दिया है। ज्ञात हो कि हथुआ में पिछले 1 माह से आधा दर्जन दुकानों व घरों में चोरी की घटना हो चुकी है। चोर लगातार बुलंद हौसले से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। अगली खबर, अगर आप जिस ट्रेन से सवार होकर दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई या छपरा सोनपुर तक सफर कर रहे हैं, तो अब आप ट्रेन के गार्ड को गार्ड साहब नहीं कहेंगे। अब गार्ड साहब के पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाले क्लोन स्पेशल ट्रेन संख्या 02567 क्लोन स्पेशल ट्रेन के ब्रेक में खड़े रंजीत कुमार को पहले ट्रेन मैनेजर बनाकर गाड़ी ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी। रेलवे बोर्ड ने पोस्ट तो बदल दिया, लेकिन वेतन में बदलाव नहीं किया है। अगली खबर, पटना में शनिवार को 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 12 डॉक्टर समेत 2305 नए कोरोना संक्रमित मिले। 3 संक्रमित की मौत एम्स में और 1 की NMCH में हुई। मरने वालों में 2 महिला और 1 पुरुष है। इनमें पटना की महिला मालती देवी है, जबकि सुनीता देवी और हेमंत कुमार सिंह वैशाली के निवासी थे। PMCH में PMCH के 4 डॉक्टर समेत 9 स्वास्थ्य कर्मी, IGIMS के 4 डॉक्टर समेत 10 स्वास्थ्य कर्मी और एम्स के 4 डॉक्टर भी शामिल है। अगली खबर, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार अपने डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश के लिए अलग अलग क्षेत्र से इस पदों पर कुल 3847 पदों पर भर्तियां निकाली है। ऑनलाइन आवेदन आज से 15 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक भर सकते हैं। अगली खबर, देशभर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोरोना के चलते बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही है। जैसे ही देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल खोले गए, वैसे ही कोरोना की तीसरी लहर ने आकर सब कुछ रोक दिया। बिहार में 8 तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा है। 9 से 12 के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं को सुरक्षा प्रतिबंधों के साथ अनुमति है। बिहार में स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। 9 से 12 के लिए 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं की अनुमति दी गई है। प्री स्कूल और 1 से 8 के लिए ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जाएगी। अगली खबर, बिहार और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में रेल सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेल लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पहले बिहार के गया राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, दरभंगा और बरौनी को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने की योजना बनी है। साथ ही नए साल के मौके पर बिहारवासियों के लिए एक और खुशखबरी भी आ गई है। सुखद समाचार ये है कि साल भर के भीतर पटना से डबल डेकर ट्रेन गुजरेगी। अभी यह ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली और नई दिल्ली से जयपुर के बीच चलाई जा रही है। वह जल्द दिल्ली से पटना और दिल्ली से हावड़ा रूट पर 2 मंजिली ट्रेन का संचालन किया जाएगा। बताया गया है कि दिल्ली से पटना रूट के बीच डबल डेकर ट्रेन के अलावा दिल्ली हावड़ा डबल डेकर ट्रेन भी बिहार के गया या अन्य स्टेशनों से होकर गुजर सकती है। बस रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद इन दोनों ही रूटों पर अत्याधुनिक डबल डेकर ट्रेन दौड़ने लगेगी। अगली खबर, गया जंक्शन पर खड़ी 22912 हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस से 74 लाख का तस्करी सोना बरामद किया गया है। RPF की मदद से DRI ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। DRI पटना की टीम तस्कर से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शिप्रा एक्सप्रेस में एक तस्कर द्वारा भारी मात्रा में सोना ले जाने की सूचना मिली है। इस पर RPF के सहयोग से DRI पटना की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई में तस्कर का 1 किलो से ज्यादा सोना के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, औरंगाबाद में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नजदीक है। आगामी माह में इन परीक्षाओं की शुरुआत होगी। इन परीक्षाओं में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए कोविड टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा में वैसे ही छात्र छात्राओं को शामिल होने दिया जाएगा जिन्होंने अपना कोविड टीकाकरण कराया है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी परीक्षार्थी कोविड टीकाकरण से वंचित नहीं रहे और अपनी परीक्षा में शामिल हो सके। बहरहाल देखते रहिए एवन न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सकें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी
विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।